हेलो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिबेट्स विद इन क्रिस्टानिटी एंड दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर वन सिक्स थ्री इन यर एन सी आर टी बुक सो जैसे हम पढ़ ही रहे थे कि इटालियन रिवाइवल चल रहा था वहाँ पर जो लोग थे मेनली पहले ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे लेकिन फिर वहाँ पर ह्यूमन बींग्स अपने बारे में सोचने लग गए थे वहाँ ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ आने लग गई थी यानी ह्यूमानिज़म स्टार्ट हो गया था लोगों ने खुद के पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था इंस्टेड ऑफ चर्च के पीछे एज ए आंट की तरह चलना कीड़ी की चाल चलना तो उन्होंने इस तरह से ये जो फॉलोइंग थी ये बंद कर दी थी मतलब कम कर दी थी कुछ लोग अभी भी चर्चेस को फॉलो कर रहे थे लेकिन मेनली जो पढ़े लिखे लोग थे और जो एजुकेटेड लोग थे जो ह्यूमैनिज्म के बारे में जानते थे उन्होंने एक न्यू कल्चर को वहाँ अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो उस वजह से जो क्रिस्टानिटी थी वहाँ पर डिबेट्स होने लग गए डिबेट्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए जो पॉप्स वगैरह उन्हें कहा करते थे लोग उन पर क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए क्वेश्चन उठाने लग गए तो वही आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिबेट्स विद इन क्रिस्टानिटी तो जैसे हमें पता ही है कि इटालियन रिवाइवल हो रहा था तो डेवलपमेंट हो रहा था टाउन्स का वो डेवलपमेंट ट्रेड में हो रहा था ट्रेवल में हो रहा था मिलिट्री में हो रहा था और कॉन्टेक्ट्स जो लिंक्स थे इटालियन टाउन के वो भी इंक्रीज़ हो रहे थे तो वहाँ जो ये न्यू कल्चर आया था मतलब जो रिवाइवल की ये ह्यूमैनिज्म की जो ये लहर चली थी उसे एडमायर किया गया था एजुकेटेड पीपल के द्वारा यानी जो एजुकेटेड पीपल थे वेल्दी लोग थे उनके द्वारा इसे एडमायर किया गया था तारीफ़ की गई थी इसकी प्रशंसा की गई थी इसे अडॉप्ट किया गया था लेकिन जो रूरल पीपल थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उन्होंने अभी भी इस कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया था यानी अल्टीमेटली हम ये कह दें कि उन्हें इस कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था तो फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया तो जो स्कॉलर्स थे ना यूरोपियन स्कॉलर्स यानी नॉर्थ यूरोप के जो स्कॉलर्स थे कहाँ के नॉर्थ यूरोप के जो स्कॉलर्स थे ना वो इस कल्चर के बारे में जानने लग गए थे क्यों क्योंकि उनके इटालियन कलीग्स हुआ करते थे उनसे उनको नॉलेज मिल जाती थी वो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट पढ़ने लग गए थे जिससे उन्हें इस न्यू कल्चर के बारे में पता चलने लग गया था और साथ ही साथ उसने क्रिश्चियन रिलीजन की जो बुक्स हुआ करती थी जैसे हम बाइबल की बात करें तो उन्होंने बाइबल पढ़नी भी स्टार्ट कर दी थी जिससे उन्हें ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट या ह्यूमानिज़म के बारे में पता चलने लग गया था तो उन्होंने पॉप्स की यानी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पॉप्स की बातों को मानना मना कर दिया था मानने कम कर दिया था और वो एक न्यू कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे थे अपनी थिंकिंग को वो रेशनल बनाते जा रहे थे अपनी थिंकिंग को वो एनालाइज करते जा रहे थे तो वो जहाँ लोगों ने एक दूसरे को ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अगर आपने गोड को पाना है गॉड को पाना है तो आपको उनको पाने के लिए किसी भी मेडिएटर्स की यानी पॉप्स की प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है आप खुद भी गॉड को पा सकते हैं और वो गॉड जो हैं वो आपके अंदर ही हैं और आप उनको अपने तरीके से ही पा सकते हैं तो आपको किसी भी मेडियोकर को मेडिएटर्स या मेडियोकर की ज़रूरत नहीं है आप फ्री होकर बिल्कुल और भगवान में विश्वास रख के अपने दिल में भगवान के इंस्पिरेशन लाकर एक विश्वास लाकर भगवान को पा सकते हैं तो इस तरह का वहां जो कल्चर था वो वहां स्टार्ट हो गया था क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट हुआ करते थे एक का नाम है थॉमस मॉर जिनका लाइफ स्पेन था वन फोर सेवन एट टू 1535 ये इंग्लैंड के थे और दूसरे थे एरेसमस कौन थे एरेसमस इनका लाइफ स्पैन था वन टू वन और ये हॉलैंड के थे ये इंग्लैंड के एंड वो हॉलैंड के तो इन दो ह्यूमैनिस्ट ने ये फील किया था कि जो चर्चिज हैं ना वो ऑर्डनरी पीपल को क्या बना रहे हैं फूल बना रहे हैं क्या बना रहे हैं ऑर्डनरी पीपल को फूल बना रहे हैं और uh, किस लिए फॉर फुलिंग देयर ग्रीड अपने लालच को पूरा करने के लिए अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो लोगों को क्या बना रहे हैं फूल बना रहे हैं वो लोगों को भगवान से नहीं मिला रहे तो ऐसा इन दो ह्यूमैनिस्ट ने वहाँ पर फील किया था चर्चेज के अंदर तो वो सिर्फ पैसा कमाने का ही काम कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो कलर्जी है ना इन दोनों ह्यूमैनिस्ट ने ये कहा था कि ये जो कलर्जी हैं वो क्या है सेल्फ इंडलजेंसीज हैं क्या है सेल्फ इंडेजेंसी सेल्फ इंडेलिजेंसी का मतलब जो टोटली uh, सेल्फिश totally होता है और अपनी सेल्फिशनेस के कारण वो ये भी नहीं देख पाता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है और इन्होंने इन इंडेजेंसीज के नाम पे क्या करने लग गया था एक डॉक्यूमेंट को सेल करना स्टार्ट कर दिया था क्या कर दिया था डॉक्यूमेंट को सेल uh, करना स्टार्ट कर दिया था और ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कोई मर्चेंट या कोई पर्सन जो है वो इस डॉक्यूमेंट को यानी इंडेलिजेंसिस डॉक्यूमेंट इंडेलिजेंसिस मतलब कि पाप से मुक्त होने वाला कोई डॉक्यूमेंट को अगर कोई मर्चेंट या कोई पीपल या कोई पर्सन जो है वो खरीद लेगा तो उसके जो पुराने पाप होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जो भी उसने आज तक किए हैं तो भगवान उनको माफ़ कर देंगे तो इस तरह की जो सुपरस्टिशियस बातें थी वहाँ पर एक्सप्लोर की जा रही थी चर्चिज़ के द्वारा जैसे आज के टाइम में भी जो प्रीस्ट होते हैं पंडित होते हैं वो कहते हैं ये रिंग पहन लो तो ऐसे हो जाएगा ये पहन लो तो ऐसे हो जाएगा ऐसे करोगे तो वैसे तो ये सारी जो सुपरस्टिशियस बातें वहाँ पर भी अराइज़ होने लग गई थी तो इन दो ह्यूमैनिस ने जो थॉमस मोरे नाम के थे और एक एरेसमस नाम के थे उन्होंने इनका क्या किया था अगेंस्ट हो गए थे बिल्कुल इनके और उन्होंने कहा था कि जो चर्चिज हैं जो पॉप हैं वो टोटली ही सेल्फिश हैं और धीरे धीरे भी ये बात जो थी वो लोगों को भी समझ आने लग गई थी कब समझ आने लग गई थी जब बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था सिंपल लैंग्वेज में यानी जब बाइबल सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने लग गई थी और लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया था तो इन सारी जो अफवाहें थी रूमर्स थी या गलत चीज़ें थी सुपरस्टिशियस एक्ट्स जो थे पॉप्स के द्वारा उनसे भी लोगों का जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था क्यों क्योंकि बाइबल से उन्हें ये पता लग गया था कि एक इंसान भगवान को कैसे पा सकता है खुद से उन्हें पता चलने लग गया था तो जो यूरोप के काफी पार्ट पे यानी पार्ट ऑफ आलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप वहां के जो पीजेंट्स थे और जो मर्चेंट्स थे कौन कौन पीजेंट्स और मर्चेंट यानी किसान और व्यापारी जो थे उन्होंने पॉप्स का रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था यानी उनके अगेंस्ट हो गए थे बिल्कुल ही आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया क्यों आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये जो पॉप्स थे या हम प्रिंसेस, उन्होंने पॉप्स और प्रिंसेस दोनों को ही रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनसे क्या ले रहे थे टैक्सेस ले रहे थे क्या ले रहे थे टैक्सेस ले रहे थे जिस वजह से जो वहाँ के किसान थे और जो मर्चेंट्स थे वो इरीटेट हो गए थे और उन्होंने इनका रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था तो इन इनकी पॉप्स और प्रिंसेस की जो उस तरह की तानाशाही चल रही थी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू तो वो तानाशाही को कहा जाता था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेस्टाइन डोनेशन ऑफ कॉन्टेस्टाइन इस डोनेशन ऑफ कॉन्टेस्टाइन को जो स्कॉलर्स थे ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स कौन ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर उन्होंने टोटली totally क्या कहा था फोर्ज कहा था ये कहा था ये बिल्कुल ही क्या है धोखाधड़ी है बिल्कुल ही गलत है बिल्कुल ही फेक डॉक्यूमेंट है तो इस तरह की वहाँ पे जो कल्चर था उसमें चेंज आने लग गया था लोगों की जो थिंकिंग थी उसमें चेंज आने लग गया था तो एक टाइम पीरियड आया था वन फाइव वन सेवन का फिफ्टीन सेवनटीन का एक यंग जर्मन मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर आपने कई बार सुना भी होगा इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च लौ, किया था एक कैंप लगाया था एक कैंपेन की लॉन्च की थी और वो कैंपेन जो था वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ था यानी जो चर्चेज जो थे वो वहां पर मनमानिया कर रहे थे पॉप जो थे वो वहां पर मनमानिया कर रहे थे उनके अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया था और उन्होंने ये बताया था कि एक पर्सन को भगवान से मिलने के लिए प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है वो खुद भी भगवान में विश्वास रख के भगवान का फॉलोअर्स बन सकता है अपनी लाइफ को गाइड कर सकता है तो ऐसे थिंकिंग को इन्होंने स्प्रेड करा था और इस थिंकिंग वाले कैंपेन को मार्टिन लूथर ने लगाया था और इस कैंप का जो नाम रखा गया था यानी इस मूवमेंट का जो नाम रखा गया था वो नाम था प्रोस्टेस्टेंट रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नाम से एक मूवमेंट चलाया गया था इस कैंपेन के अंदर जिसमें ये बताया गया था कि एक इंसान को अपनी लाइफ को गाइड करने के लिए भगवान की ज़रूरत है लेकिन भगवान को पाने के लिए उन्हें ना तो चर्चेज की ज़रूरत है ना ही पॉप की ज़रूरत है वो खुद से भी भगवान को पा सकता है तो इस कैंपेन से जो मोमेंट चलाया गया था उसे प्रोटेस्टेंट रिफ़ॉर्मेशन नाम से चलाया गया था और ये जो मूवमेंट था ये चर्चिज़ के खिलाफ चलाया गया था और कुछ चर्चिज जो थे वो इसके अगेंस्ट थे और कुछ चर्चिज इनके सपोर्ट में भी थे तो यानी यहाँ पर कुछ चर्चि सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ चर्चिज अगेंस्ट थे तो जो चर्चिज इस मूवमेंट के सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कैथोलिक चर्च से अपने सारे रिलेशन जो थे वो ख़त्म कर दिए थे और जो चर्चिज इन इस मूमेंट के अगेंस्ट थे वो कैथोलिक चर्चिज के साथ अभी भी बने हुए थे तो स्विट्जरलैंड में लूथर के जो आइडियाज थे स्विट्जरलैंड में लूथर के जो आइडियाज थे उसे एक्सपेंड किया गया या उसे स्प्रेड किया गया पॉपुलराइज किया गया टू पर्सन के द्वारा तो एक थे अलरिच ज्विंगली एंड द सेकेंड वन इज जीन कैल्विन तो इन दोनों पर्सन ने इनके आइडियाज को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था कौन सा आइडिया कि अ मैन शुड नॉट नीड पॉप और चर्चेज टू फाइंड अ गॉड तो इन्होंने जो आइडिया आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया था उससे मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिच पर्सनस एजुकेटेड पीपल तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे लेकिन जो इंस्पायर नहीं हो रहे थे या जो अभी भी इस कल्चर से दूर थे वो थे रूरल पीपल तो रूरल पीपल अभी बहुत कम रूरल पीपल ऐसे थे जो अवेयर हो चुके थे और बहुत सारे रिफॉर्मर्स और भी ऐसे थे जिन्होंने इस सोच को स्प्रेड किया था पॉपुलराइज किया था जैसे उनमें से एक और आ, क्या कहते हैं रिफॉर्मर का नाम था एनाबेटिस्ट इन्होंने भी इस आइडियोलॉजी को काफी स्प्रेड किया था पॉपुलराइज किया था तो जो लूथर थे ना वो रेडिकलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे यानी विद्रोह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे उनका ये मानना था कि हर काम को बड़े ही पॉजिटिव वे से या बड़े ही आ, नॉन वायलेंस तरीके से किया जा सकता था तो वो रेडिकलिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे क्यों क्योंकि उनका ये मानना था कि आ, अगर जैसे अगर हम अपने आ, कल्चर की बात करें इंडियन कल्चर की बात करें तो अगर आप हर चीज़ को बड़े प्यार से और क्या कहते हैं सेक्रीफाइस नेचर से देखोगे तो कहा जाता है कि अगर आप सेक्रीफाइस के नेचर से देखोगे तो वहाँ पे रामायणा होगी अगर आप अपने राइट्स को पाने लग जाओगे यानी हर चीज़ के लिए लड़ने लग जाओगे तो वहाँ पे महाभारत तो दोनों केस में हुई तो आ, सही के लिए लड़ाई थी लेकिन ये नॉन वायलेंस तरीके से हुई थी और ये वायलेंस तरीके से हुई थी तो इसमें जो थे वहाँ पे त्याग किया गया था सेक्रीफाइस किया गया था कई जगह जगह पे राम भगवान के द्वारा या सीता माता के द्वारा लेकिन महाभारत में और जो महाभारत थी उसमें सेक्रीफाइस नहीं किया था सो वहाँ पर फाइटिंग हुई थी तो दो तरीके होते हैं हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे तो जो लूथर थे उनका यही मानना था कि हर चीज़ को प्यार से हैंडल किया जाता है विद्रोह करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी इसलिए वहाँ पर रिबेल होना स्टार्ट हो चुका था तो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग यानी जो अगेंस्ट हो गए थे उनको चर्चिज में अलो नहीं किया जाता था वर्शिप के लिए तो प्रोटेस्टेंट्स को बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाता था चर्चिज़ में वर्शिप के लिए फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जो फ्रांस के कुछ पार्ट थे आ, फ्रांस में या यूरोप के कुछ पार्ट में जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को वर्शिप करना अलो कर दिया था और जो किंग और क्वीन हुआ करते थे वो भी क्या बन गए थे हेड बनने लग गए थे चर्चिज के यानी उनका भी रोल आ गया था चर्चिज के अंदर तो इस तरह से वहाँ पर क्या होने लग गए थे रिफॉर्म्स uh, होने लग गए थे और जो डिबेट्स हुई थी उसे भी सॉल्व किया गया था काफ़ी हद तक और अभी भी वहाँ पर रिबेल भी चल रहा था तो एक स्पेन uh, में पर्सन हुआ करते थे इग्नेटियस लोयला के नाम से जिन्होंने ये कहा था कि हमें एक कम्युनिटी बनानी चाहिए क्या बनानी चाहिए कम्युनिटी बनानी चाहिए और वो कम्युनिटी किसकी होनी चाहिए जिसूस की होनी चाहिए यानी जिसमें जिसूस के फॉलोअर्स होंगे हमें जीसस को फॉलो करना चाहिए और जीसस के फॉलोअर्स को क्या कहा जाएगा जिसूट्स कहा जाएगा क्या कहा जाएगा जिसूट्स कहा जाएगा और ये कम्युनिटी क्या करेगी ये कम्युनिटी हेल्प करेगी पुअर्स को किसको पुअर्स को हेल्प करेगी और ये जो नया कल्चर आया था उसको स्प्रेड भी करेगी क्या करेगी उसको स्प्रेड भी करेगी तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया जिसको मैंने आपको बड़ा इजी वे में बता दिया कि क्या था इस टॉपिक में आई होप आपको समझ आया होगा आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो अदरवाइज डोंट फरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फरगेट टू प्रेफर एवरी वन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर